हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मौसम में अब काफ़ी गर्माहट आ गई है और प्लांट्स के लिए जो है अभी इनको फिर गर्मी से बचाना पड़ेगा, कभी सर्दी से बचाना पड़ता है, तो प्लांट्स के लिए तो इनकी केयर लगी रहती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हैंगिंग बास्केट जो है गर्मियों के लिए कैसे बनाएं। हैंगिंग बास्केट में जैसे सर्दियों में हम फूल लगाते हैं, पिटूनिया के हैं और पेंजी है, ये छोटी इनकी 5-6 इंच तक की हाइट होती है, चारों तरफ फैले होते हैं तो ये अच्छे लगते हैं। तो बास्केट में आप कभी भी ऐसे प्लांट ना लगाएं जो कि लंबे हो, ऐसे प्लांट लगाएं जिनकी हाइट बिल्कुल छोटी रहती हो और थोड़ा नीचे को झुके हुए हों। अब गर्मियों में जो है ना लगाने वाले कई पौधे अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं जो आप अपनी बास्केट में लगा सकते हैं। फूल वाले तो कोई ज़्यादा है नहीं प्लांट लगाने वाले ना, फूल वालों में तो आप लगा सकते हैं 9 o'clock और लेंटाना भी लगा सकते हैं क्योंकि वो नीचे को लटकती हैं उनकी, तो उस पर फूल बड़े अच्छे लगते हैं। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो मेरी पहले की बास्केट है, ये इसमें स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है, ये चारों तरफ, और फिर इसमें बेबी प्लांट भी निकलते हैं नीचे को, बड़े अच्छे लगते हैं वो। ये अभी इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होएगी क्योंकि ये इसके नीचे शेड के नीचे दबा हुआ था तो इसको धूप वगैरह नहीं मिल रही थी। और ये है सिंगोनियम का, इसकी भी बास्केट बड़ी अच्छी बनती है, देखो पूरी भरी हुई है। ये फर्न है बास्केट में और ये है बेबी टीयर्स। और अभी मैंने ये दो बास्केट तैयार किए हैं, इसमें ये तो लगाए वंडरिंग जू, इसकी बास्केट तो बहुत ही अच्छी बनती है, पूरा कवर कर देती है, टोकरी दिखाई नहीं देती। और ये है टर्टल वाइन, टर्टल वाइन की बास्केट बहुत ही अच्छी बनती है। अगर इनको एक जैसी बना के आप 4-5 कट्ठी लगा दो ना तो ये बास्केट दिखती नहीं, 3-3, 4-4 फुट तक नीचे तक आ जाती हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं। लेकिन इनको छाया में रखें तभी इसका जो है ना अच्छा लुक आएगा, बिल्कुल ग्रीन इसकी पत्तियां होती हैं। और ये वंडरिंग जू को थोड़ा आप धूप में भी रख सकते हो। और जो है ये पोथोस होते हैं हमारे जो, उनकी भी बड़ी अच्छी बास्केट बनती है। ये देखो ये मनी प्लांट है, ये दूसरे प्लांट सबको ना पोथोस बोलते हैं, तो ये जो है इस बास्केट में, इसको ज़्यादा शेड नहीं चाहिए, इसको थोड़ी ब्राइट लाइट चाहिए होती तभी अच्छी ग्रोथ करती है। और ये जो है दूसरे वाली, इसको जो थोड़ा सा डार्क जगह में रखें आप, ज़्यादा इसको सनलाइट ना दिखाएं, सन धूप में ना रखें, सनलाइट तो बेशक मिल जाए तभी ये चलती है। और भी बहुत प्लांट्स हैं जो आप लगा सकते हैं उसमें, ये वाला प्लांट भी आप बास्केट में लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नीचे नहीं लटकता, वैसे तो हाइट में छोटा ही रहता है लेकिन नीचे नहीं लटकता, मैं इसको बास्केट में लगाती नहीं हूँ। और ये मैंने बनाई हुई 9 o'clock की, एक वो वंडरिंग जू की है, इसमें ना धूप कम आती है तो उस साइड में मैंने ये वंडरिंग जू लगा रखा है, ये वाला। तो ये 9 o'clock जो है ना मेरा पिछले साल का है, मैंने इसमें बास्केट में ना ऐसे ही छोड़ दिया था, तो अब इसमें अप्रैल में जो ना खूब फूल आने लग जाएंगे। अब इसके जो ऊपर वाले जो बड़े हुए थे ना बिल्कुल सूखी सूखी टहनियाँ, मैंने काट के दोबारा से जो है ना इसको देखो अंदर से अच्छे जो निकल ग्रोथ होने लग गई है इसकी, इसको मैंने जो सारा काट काट के ऊपर से जो डंडियाँ निकली उनकी मैंने दोबारा से बास्केट दूसरी बना ली। ये देखो इसमें कटिंग लगाई है बास्केट की, एक ही इसमें भी लगाई है। तो अब ये मेरी जो है ना एक महीने में ये वाले तैयार हो जाएंगे सब, इन पे ना फूल आने लग जाएंगे बास्केट वालियों पे। एक ये बास्केट ये भी लगाई है, कटिंग लगाई है 9 o'clock की ना ये सब तैयार। और एक पर्स लेना आता है बिल्कुल छोटा होता है, 9 o'clock की तरह उसकी पत्तियाँ जो ऐसे पतली पतली नहीं होती, गोल पत्तियाँ होती हैं, उसकी बास्केट भी बहुत अच्छी लगती है, वो भी लगा सकते हैं आप बास्केट में।
और मनी प्लांट तो है ही जो हम लगाते हैं उसमें, और एक जो है ना आप ये लगा सकते हो पोनीटेल फर्न, ये इसकी भी बास्केट बड़ी अच्छी बनती है, इसकी ये नीचे को लटक जाती है, पोनीटेल फर्न है ये। और ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट के तो बनती ही हैं ये बास्केट, ये तो नीचे को लटकती है, लेकिन लोग कम बनाते हैं क्योंकि ये नीचे लटकती है ना इसकी जो ब्रांचेज, तो लोग बोलते हैं कि नीचे लटकी हुई मनी प्लांट ना अच्छी नहीं होती, इसलिए जो है इसको पॉट्स में ही लगाते हैं, ऊपर को इसकी टहनियाँ होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से। बाकी मेरी तो ये नीचे रखे हुए तो नीचे को तो लटकेंगी। और ये भी एक बास्केट में लगा हुआ है सेक्युलेंट, दो तीन टाइप के हैं इसमें, ये छोटे गमलों में अच्छे लगते हैं सेक्युलेंट, लेकिन ये लगा लाए थे बास्केट्स में ना, तो ये भी आप ऐसे भी आपको आइडिया हो तो लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा तो वही प्लांट्स लगते हैं जो कि थोड़ा नीचे लटकने वाले हों। और ये जेडे प्लांट है, जेडे के भी आप जो है ना बास्केट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी भर जाता है, इसकी पिंचिंग करते रहोगे ना बास्केट पूरी भर जाएगी। अभी से तैयारी कर लें अपनी बास्केट वगैरह लगाने की। ओके बाय बच्चों, थैंक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।